हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। आज का नया बच्चे आपका चैप्टर नंबर 2, होल नंबर्स। सबसे पहला बच्चे थानू कुछ टर्म्स जड़िया ने क्लीयर होनी चाहिए ने, तो चैप्टर के हेल्प होएगी। तो फर्स्ट टर्म है होल नंबर्स। होल नंबर्स केड़े होंगे ने? द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड हैज नो एंड। वो वाले नंबर जेडे 0 तो स्टार्ट होंगे ने ते उन्हां दा कोई भी एंड नहीं होंदा, मीनस वो काउंटिंग वाइज जेडे ने जिन्ने मर्जी आपां दिख सकते हैं, इस करके क्या गया नो एंड। तो देखो जिवें फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3 सेम एज इट इज़, 4, 5, 6, 7 अप टू जिन्ने तक तुसी काउंटिंग लिखना चाहते हो वो सारा किदे विच आएगा, तुहाडा होल नंबर्स दे विच आएगा। बस मेन चीज़ ध्यान रखनी है होल नंबर स्टार्ट कितों होंगे ने 0 तो। दैन सैकेंड वन इज़ ए नैचुरल नंबर। द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड हैज़ नो एंड। सेम कहते वो वाले नंबर्स जेडे 1 नंबर तो स्टार्ट होंगे ने ते इन्हों का भी कोई एंड नहीं होंदा, मीनस इन्हों की कोई लिमिट नहीं आ, जिनी मर्जी काउंटिंग जी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एज सॉन। ठीक है जी, सेम इस तरीके 1, 2, 3, 4 तुसी काउंटिंग जी जिनी मर्जी लिख सकते हो, वो सारे नंबर्स के काउंट होंगे ने तुहाडे नैचुरल नंबर्स। हुण नैचुरल ते होल नंबर्स एक डिफरेंस है वो तुहानू क्लीयर होना चाहिए। जो होल नंबर्स ने वो कितों की स्टार्ट होंगे ने 0 तो, और नैचुरल नंबर्स कितों की स्टार्ट होंगे ने 1 तो। तो ये दोनों चीज़ों का तुसी ध्यान रखना है। दैन उस तो बाद आता है बच्चे सक्सेसर। सक्सेसर की होंगे? इट इज़ द नंबर डैट कम्स जस्ट आफ्टर द नंबर। कहते ये वो वाला नंबर होंगे वा जेड़ा आफ्टर द नंबर, आफ्टर का मतलब होंगे वा बाद दे विच, कोई भी एक नंबर तुहानू दिता होया वा उस तो बाद वाला जेड़ा नंबर तुहाडे कोल आंदा वा उन्हों की कहा जाता वा सक्सेसर ऑफ डैट नंबर। जिमें फॉर एग्जाम्पल है हूँ तो नंबर दिता हो 8 नंबर तुम्हें गिवन है, तुम हूँ वह सक्सैसर फाइंड आउट करना वा। तो सक्सैसर की होंगे जी 8 तो हूँ एक होर अगे वाला नंबर दसना है, तो आप करा 8 के 1 प्लस कर देंगे तो अपने को आएगा 9। मेन्स हूँ सक्सैसर की हो गया तो 9। सेम एज इट इज प्रीडिसेसर है। प्रीडिसेसर की होंगे ने? इट इज़ द नंबर डैट कम्स जस्ट बिफोर द नंबर। कहते ये वो वाला नंबर है जो जेड़ा भी नंबर तुम्हें गिवन होएगा वो तो बिफोर का मतलब है पहला, वो तो जेड़ा पहला वाला नंबर अपन आएगा वो होएगा प्रीडिसेसर। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल है जिमें 9 तुम्हें दिता हुआ एक नंबर स्टेटमेंट है 9, हूँ तुम्हें वह प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना वा। तो तुम किमें फाइंड आउट करोगे? हूँ जिमें तुम्हें एक नंबर दिता हुआ तुम्हें उस नंबर का की फाइंड आउट करना, बिफोर मतलब उस तो पहला कि नंबर आंदा। तो हूँ जो फस्ट अगे वाला नंबर फाइंड आउट करना हो आप करते होंगे माइनस, तो 9 जो तुम्हें स्टेटमेंट गिवन से वो 1 माइनस कर दोगे तोड़े को आंसर आएगा 8। मीनस प्रीडिसेसर कि आ गया थोड़े को 8। हूँ इन दोनों भी डिफरेंस होंगे बच्चे वो चीज़ में क्लीयर करना है। सक्सेसर का मतलब होंगे वा जिहड़ा भी तुम्हें नंबर गिवन है क्वेश्चन के उस तो अगे कि नंबर आएगा वह दसना है। प्रीडिसेसर का मतलब होंगे भी जिहड़ा भी नंबर तुम्हें क्वेश्चन के गिवन आ उस तो पहला कि नंबर आना सी वो वाला नंबर तुम्हें दसना वा। ठीक है जी, यदा मतलब होंगे वा अगे नू जाना, और प्रीडिसेसर का मतलब होंगे वा पिछे वाली साइड से देखना भी उस तो पहला कि नंबर आना चाहिए। ठीक है जी, हूँ 4 टर्म्स ने जो तुम्हें दसिया गई ने, होल नंबर्स, नैचुरल नंबर्स, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। ये चारा की क्लैरिटी तुम्हें होनी चाहिए है, तुम चैप्टर के काफ़ी हैल्प होएगी इन्होंने। हूँ देखो फस्ट स्टार्ट करते हैं आप एक्सरसाइज 2.1। हूँ एक्सरसाइज 2.1 के सब तो पहला आ रहा पार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चनस। हूँ तुम कुछ क्वेश्चनस पुट किए गए हैं, तुम्हें उन्होंने आंसरस करने ने। फस्ट क्वेश्चन इज राइट द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट मतलब सब तो छोटा, होल नंबर बारे तो मैं हमने डेफिनेशन करवा के आई हूँ भी होल नंबर्स केड़े होंगे ने जेरे कितों की स्टार्ट होंगे ने 0 तो। 0, 1, 2, 3 सोन ये सारे की होंगे ने थोड़े को होल नंबरस। तो हूँ उन्होंने क्वेश्चन के बीच की पूछा सी सब तो स्मॉलेस्ट छोटा होल नंबर केड़ा होंदा वा वो सानू दसो, तो अपना स्टार्ट कितों होंदा 0 तो, मतलब सब तो छोटा स्मॉलेस्ट नंबर की हो गया अपने को 0।
तां तुसीं आंसर लिखना है जीरो। दैन अ सैकेंड राइट द स्मॉलेस्ट नैचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट सब तो छोटा। हुण नैचुरल नंबरस भी आपां करके आए हां, नैचुरल नंबरस कित्थों दे स्टार्ट हुंदे ने, वन तो, वन टू थ्री एंड सो ऑन। सो हुण नैचुरल नंबर का सब तो स्मॉलेस्ट छोटा केड़ा होएगा, वन, तां तुसीं आंसर लिखना है जी वन। दैन इज राइट द सक्सैसर ऑफ अ जीरो इन द होल नंबरस, सक्सैसर की डेफिनेशन भी हुनी करके आए हैं। हुण कहिंदे सक्सैसर दसना है तुसीं जीरो का इन होल नंबरस, जीरो की है जी होल नंबर है, ठीक है। हुण देखो स्टेटमेंट की बनी, तुहानूं क्वेश्चन दे विच तुहानूं जीरो गिवन है, हुण कहिंदे तुसीं इहदा सक्सैसर दसना है, मीनस इस तो अगे वाला को दसना वा भी जीरो तो अगे की आंदा वा, तो आपां की करांगे जीरो दित्ता होया, जीरो दे विच वन प्लस करांगे तो देखांगे किन्ना आएगा, जीरो विच वन प्लस कीता वन, सो अपना आंसर किन्ना हो गया वन। तो तुसीं लिखोगे आंसर इज इक्वल्स टू वन, मीनस सक्सैसर जीरो का किन्ना आ रहा अपने को वन। इस तरीके बच्चे नैक्सट क्वेश्चन है अपने को, क्वेश्चन नंबर फोर, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ अ जीरो इन द होल नंबरस, होल नंबरस के अकॉर्डिंग अपने कितों के स्टार्ट होंगे ने बच्चे जीरो तो लैके। तो हुण कहिंदे जीरो का तुसीं की फाइंड आउट करना वा, प्रीडिसेसर मीनस जीरो तो पहला केड़ा डिजिट आंदा वा आपां उह दसना वा। तो देखो सेम इहदे वी एग्जाम्पल लैके देखो, हुण जीरो दित्ता होया वा, हुण जीरो तो आपां केड़ी साइड तो देखना वा भी जीरो जिहड़ा सी उस तो पहला केड़ा अक्षर आंदा वा आपां उह दसना वा। तो सेम इहदा भी फॉर्मूला अपलाई करके देखते हाँ। हुण देखो जीरो है, जीरो दे विचों अगर हुण आपां वन माइनस करके देखते हाँ, तो देखो इधर जीरो आ, ये अगर कुछ भी नहीं दिता हुआ, कोई भी डिजिट नहीं आ, जीरो तो असी की बोरो करके इनू सोल्व करके दिखा सकी, मीनस जीरो तो अगे कोई भी होर डिजिट नहीं होंदा जिदे रिलेटेड असी उहदा प्रीडिसेसर जिहड़ा वा दस सकी। सो इहदा आंसर की होएगा, नॉट पॉसिबल एज जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्योंकि जीरो ही सब तो छोटा नंबर है, इस करके असी उस तो भी छोटा नंबर जिहड़ा वा नहीं दस सकते, वह पॉसिबल ही नहीं आ। सो इहदा आंसर आ जाएगा नॉट पॉसिबल। दैन है लास्ट द लार्जेस्ट होल नंबर, लार्जेस्ट मीनस सब तो वड्डा, होल नंबर तुसीं कीते ही ने जी कितों की स्टार्ट होंदे ने जीरो तो, जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो हुण कहिंदे लार्जेस्ट सब तो वड्डा होल नंबर केड़ा वा, तुसीं उह दसना वा, स्मॉलेस्ट तां आपां नूं पता सी जीरो है। हुण अगे देखो लार्जेस्ट मीनस सब तो एंड ते वड्डा वाला केड़ा होएगा होल नंबर, वह आपां दसना वा। तो हुण देखो कोई भी इहदी लिमिट नहीं आ, आपां इहदी डेफिनेशन च भी पढ़ के आए हैं भी होल नंबर की स्टार्टिंग जरूर होंदी आ, बट उहनां दा कोई भी एंड नहीं हुंदा, क्योंकि आपां काउंटिंग जिन्नी मर्जी जिहड़ी आ लिख सकते हाँ। सो कहिंदे इह पॉसिबल नहीं आ भी आपां लार्जेस्ट नंबर दस सकीए भी इहदा की होएगा, तो सो इहदा आंसर भी की आएगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि होल नंबरस का कोई भी एंड नहीं हुंदा, उहनां नूं आपां जिन्ना मर्जी लिख सकते हाँ, इस करके आपां इहदा आंसर नहीं कर सकते, तो आएगा नॉट पॉसिबल।